हेलो गाइस, स्वागत है आपका वीक माई टूर में। और आज के वीडियो में हम देखेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ग्राउंड रिपोर्ट। तो दोस्तों वीडियो में जुड़े रहना बिना स्किप किए। तो चलिए दोस्तों बिना रुके स्टार्ट करते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो देश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद दिल्ली से साउथ जाने वाले 50% ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा। इमरजेंसी के टाइम पे इमरजेंसी हेल्पलाइन पे कॉल करने के लिए यहाँ पे जगह जगह पे ऐसा टेलीफोन बूथ बनाया गया है जो आप देख रहे हैं मेरी बैक साइड में। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे लगे हुए हैं जगह जगह पे। तो दोस्तों यहाँ पे गाइडलाइन लिखी हुई है कि इमरजेंसी हेल्पलाइन पर कॉल करने के लिए नीचे दिए गए पुश बटन को दबाए और कॉल लगने का इंतज़ार करें। आपकी कॉल हमारे निकटतम इमरजेंसी हेल्पलाइन केंद्र पर सुनिश्चित की जाएगी। कृपया पुश बटन को बार बार न दबाएं, यानी बटन को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार दबाना है आपको। एक बार दबा के पुश करके छोड़ देना है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे आधुनिक ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रीडर कैमरे लगाए गए हैं। हर 1 किलोमीटर के अंतराल पर कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों की रेंज 500 मीटर तक की है जिसकी वजह से यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। यदि कहीं किसी भी प्रकार की गड़बड़ होती है या कोई हादसा होता है तो कंट्रोल रूम में तत्काल सूचना पहुंच जाए, इसे ध्यान में रखकर एक्सप्रेसवे पर कैमरे लगाए गए हैं। कई जगह कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे ताकि हादसा होने पर या जाम लगने पर कुछ ही मिनटों के भीतर आगे की कार्यवाही शुरू की जा सके। इसके माध्यम से चारों तरफ की गतिविधियों पर नजर होगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड न्यू अलाइनमेंट एक्सिस कंट्रोल रोड है जिसमें आप यू टर्न नहीं ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जगह जगह पे इमरजेंसी एग्जिट दिया गया है। और अभी हम इमरजेंसी एग्जिट पे खड़े हैं। अभी यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट पे दोनों साइड पे गेट लगे हुए हैं। जब ये एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाएगा तो ये गेट बंद हो जाएगा, और जब भी कोई हादसा होता है या फिर कोई इमरजेंसी आती है उस टाइम पे ये गेट को खोला जाएगा। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने सूरत और चेन्नई के बीच एक एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी है जो सूरत में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क को सक्षम कर रहा है। यह भारत के राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन का एक हिस्सा है। ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क दूरसंचार कनेक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करेगा। तो दोस्तों आज मैं उस जगह पे खड़ा हूँ वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 पे, जो सबसे लंबा ब्रिज था, 1.2 किलोमीटर लंबा ब्रिज था जिसकी हमेशा मैं अपडेट देता रहता था। आज मैं उस जगह पे खड़ा हूँ और ये कंप्लीट बनने के बाद मैंने इसका शूट नहीं लिया था, तो आज पहली बार मैं आपको दिखाऊंगा सबसे लंबा ब्रिज 1.2 किलोमीटर जो बन के एकदम कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट तो बहुत पहले हो चुका था लेकिन शूट मैं अभी ले रहा हूँ इसका। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं मिनी रिवर के पास। मिनी रिवर के ऊपर एक ब्रिज का निर्माण कार्य हो रहा था इसके कंस्ट्रक्शन पीरियड के टाइम पे, जिसका मैंने हमेशा अपडेट दिया था। तो आज उस ब्रिज के पास पहुंचा हूं। तो चलिए दोस्तों ब्रिज के पास भी चलते हैं।
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एडवांस वार्निंग साइन भी लगाए गए हैं। यह एक प्रकार का डिस्प्ले बोर्ड है जिससे एक्सप्रेसवे पर हुई किसी भी दुर्घटना की सूचना वाहन चालकों को दे दी जाएगी ताकि वाहन चालक सतर्क हो जाए। ATMS के माध्यम से वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम भी उपलब्ध होगा जिससे एक हफ्ते का डेटा स्टोर रहेगा। तो दोस्तों, यदि आप मुंबई से आ रहे हैं और आप नडियाद खेड़ा होके अहमदाबाद जाना चाहते हैं तो NH 48 पे इंटरचेंज दिया गया है जहाँ से आपको लेफ्ट टर्न लेके आपको रैम्प से नीचे उतर के आप अहमदाबाद जा सकते हैं। ये इंटरचेंज NH 48 पे नंदेसरी और फाजलपुर विलेज के बीच में दिया गया है। तो दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुका हूं NH 48 पे जहां पे इंटरचेंज दिया हुआ है, वहां पे अभी मैं पहुंच चुका हूं और यहां पे रैंप और लूप का काम भी बहुत पहले कंप्लीट हो चुका था और इसके बाद मैं आज पहली बार दिखा रहा हूं इसको। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे, मेरी बैक साइड में ये टोल बूथ है जो कम्प्लीट होकर रेडी है ट्रैफिक के लिए। और ये देखिए, ये NH 48 है जो दिल्ली से मुंबई जाता है। ये पुराना जो NH 8 था, ये वही रोड है जिसको बाद में NH 48 कर दिया गया था। तो दोस्तों, यदि आप मुंबई से आ रहे हैं और AnyOne के जरिए आप अहमदाबाद जाना चाहते हैं, नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 1 से आप अहमदाबाद जाना चाहते हैं, तो दोड़का विलेज के पास यहाँ पे इंटरचेंज दिया गया है। और सामने जो आप ट्रैफिक देख रहे हैं वो AnyOne है, नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 1 है जो अहमदाबाद से वडोदरा जाता है। दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दो पार्ट में बटा हुआ है, दिल्ली से वडोदरा और वडोदरा से मुंबई। दिल्ली से वडोदरा का जो रोड है वो डामर का रोड है
और वडोदरा से जो मुंबई है वो सीमेंट का कंक्रीट का रोड है। तो अभी मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जो दिल्ली से वडोदरा का एंड पॉइंट है और वडोदरा से मुंबई का ये स्टार्टिंग पॉइंट है। और यहाँ पे अभी मैं ब्रिज पे खड़ा हूँ और यहाँ पे एनीवन है, एनीवन के ऊपर एक ब्रिज बनाया गया है। एनीवन यानी नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 1 जो अहमदाबाद से वडोदरा जाता है, इसके ऊपर ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ब्रिज बना हुआ है, इसके ऊपर अभी मैं खड़ा हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और जो दोस्त लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।